वेलकम टू श्रेया चटर्जी व्लॉग्स। गेस कीजिए मैं कहाँ पे हूँ। मेरे पीछे ब्यूटीफुल व्यू है। मैं अभी हूँ मैरुंग गांव में। मैरुंग गांव कालिंगपोंग डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफबीट लोकेशन है और बहुत कम लोग हैं जिन लोगों को मैरुंग गांव के बारे में पता है। मुझे भी बहुत हाल ही में पता चला है और पता जैसे ही चलता है मैं यहाँ तुरंत आ जाती हूँ। शियालदा से दार्जिलिंग मेल में सेकंड एसी में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए एनजीपी में उतर के वहाँ से बाय रोड करीबन 4-4.5 घंटा ट्रैवल करके मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। ये जो मैं होमस्टे में हूँ वो कहाँ पे है, क्या नाम है, कैसा दिखता है, ये सारे चीज़ें मैं बताऊंगी। लेकिन हमारे साथ इस ट्रिप में दो स्पेशल लोग हैं जिन लोगों से मैं आपको थोड़े ही देर में मिलाऊंगी। मैं जहाँ पे रुकी हुई हूँ यहाँ पे ब्यूटीफुल व्यू तो है ही, साथ में एक ऑर्गेनिक छोटा सा फार्म भी है और इसी फार्म का वेजिटेबल्स हमें खिलाया जाता है। तो चलिए एक क्विक रूम टूर करते हैं। ये है कंप्लीट रूम, एक डिसेंट रूम है एंड दिस इज वॉशरूम, गीजर है, फाइन डिसेंट है। लोकेशन के हिसाब से ये स्टे ऑसम है। इस ट्रिप में मेरे साथ है श्रीकांत। हेलो। और एक पर्सन है जिनसे आप लोग मिल चुके हैं पहले, थोड़ी ही देर में मैं उनसे आप लोगों को फिर से मिलाऊंगी। तो मैरुंग गांव पहुंचने के बाद, इतने सारे स्ट्रगल करके पहुंचने के बाद क्योंकि आप सबको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेन में ट्रैवल नहीं करती हूँ, लेकिन इस बार मुझे ट्रेन जर्नी एक्सपीरियंस करना था। तो सेकंड एसी में हमें साइड अपर एंड साइड लोअर मिला था और कुछ क्या ही बोलूँ, कुछ ना बोलूँ तो ही अच्छा है। तो बहुत बहुत स्ट्रगल हुआ हमारा, लेकिन फिर भी हम इतना सब करके एक ब्यूटीफुल जगह पे आ गए हैं और आने के बाद थोड़ा घूमने निकल गए हैं। जब एग्जैक्टली आए थे बहुत बारिश हो रहा था, अभी थोड़ा सा बारिश रुका है और बहुत ही प्लेजेंट लग रहा है ये जगह। अमेजिंग है ये प्लेस, सच में अमेजिंग है। बहुत कम लोगों को इस जगह के बारे में पता है। मुझे लगता है कि ये एक नया एक्सक्लूसिव ऑफबीट प्लेस है नॉर्थ बंगाल का, क्योंकि ये वो द यूजुअल कमर्शियल टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। ये एक विलेज है, एक ब्यूटीफुल विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कालिंगपोंग। कालिंगपोंग हम लोग जिस होमस्टे में रुके हैं उसका नाम है मायास टिबेटियन होमस्टे। और होमस्टे का मतलब होता है कि हम किसी के घर में गेस्ट बन के जाते हैं, उनके रहन सहन, उनके खाना पीना, ये सब चीज़ों के साथ खुद को उसी सांचे में ढल के, खुद को उसी सांचे में ढाल के उन्हीं के घर उन्हीं के साथ रहना। तो बहुत सारे जगह पे ना हम होमस्टे को भी सोच लेते हैं कि होटल जैसा ही फील मिलेगा हमें, सारे चीज़ें जैसे ही हम ऐसे मांगेंगे मिल जाएंगे। वो सही नहीं है। जब भी कुछ होमस्टे हम लोग आते हैं वहाँ पे थोड़ा सा रेस्पेक्ट देना है हमें उनको और रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है, क्योंकि हम किसी के घर गेस्ट के जैसा आए हैं।
मुझे लगता है हमें होमस्टेज को स्ट्रॉन्गली प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म के बारे में सोचेंगे, सस्टेनेबल टूरिज़्म के बारे में सोचेंगे, तो इसमें बहुत सारे चीज़ें आता है, बहुत सारे कैटेगरीज है जिस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बन सकते हैं। वो सारे चीज़ें मैं स्लोली आप लोगों से बात करूँगी। उसमें एक छोटा इनिशिएटिव ये है कि हम लोकल लोगों को प्रमोट करें, ताकि उनका सोर्स ऑफ, जिन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम टूरिज्म ही है, जैसे ऐसे छोटे छोटे विलेज है, होम स्टे और टूरिस्ट यही इनका सोर्स ऑफ इनकम है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि बड़े होटल्स में रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, सिटी तो पड़ा हुआ है बड़े होटल्स के लिए, लेकिन जैसे ही हम कुछ हिल स्टेशन या कुछ ऑफबीट प्लेस में जाते हैं, वहाँ पे भी होटल रहते हैं, तो हमारा कोशिश रहना चाहिए कि हम लोग वो होटल छोड़ के होम स्टे में रुके और हमारे जो होस्ट है उनको सर्वाइवल में हेल्प करे। तो ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसीलिए मैं अभी से कोशिश करूँगी कि मैं जब भी कुछ ऐसे लोकेशन पे जाऊँ जहाँ पे होम स्टे अवेलेबल है, मैं डेफिनेटली होटल और होम स्टे में से होम स्टे को ही चूज़ करूँगी। और हम लोग जिस होम स्टे में रुके हुए हैं बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन पे है, वो मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, और हमारे होस्ट भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पप्पी, एक छोटू सा पप्पी इधर आ गया है मुझे फॉलो करते हुए। हेलो हेलो बेबी, हेलो हेलो, आ जाओ आ जाओ साइड में आ जाओ। साइड में आ जा मेरा गुड़िया, क्यूट उषा है, क्यूट उषा है। ओके ओके, चलो चलो चलो, ओलो ओलो ओलो, चलो चलो आ जाओ, ओलो ओलो। यहाँ पे वॉक करते हुए हम लोग जो घूम रहे थे, इतने सारे होमस्टे का ऑप्शन दिख रहा है। मैं सबका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और स्पेशली मैं माया टिबेटियन होमस्टे में रह रही हूँ, वो बहुत अच्छा है, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा आप लोग माया टिबेटियन होमस्टे को भी एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। सो ये छोटा सा पपी मेरे पीछे पीछे आ रही है, आ जाओ बच्चा। एक्चुअली बारिश हो के मौसम और खूबसूरत बन गया है, और खूबसूरत, इतना ग्रीनरी में वॉक करना सच में एक एक्सपीरियंस है। अच्छा, इस बार मैं नॉर्थ बंगाल आ तो गई हूँ, लेकिन रिटर्न का कुछ प्लान करके नहीं आई हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कितना दिन रहूँगी कुछ फिक्स नहीं है, जितना दिन मन करेगा उतना दिन यहाँ पे इस बार मैं रहने वाली हूँ। ये है हमारा होम स्टे। इसका नीचे का सेक्शन बन रहा है, अभी भी रेडी होना बचा है, बस ऊपर का सेक्शन ही रेडी हो है। ये होम स्टे में ब्यूटीफुल फ्लावर्स का कलेक्शन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो ये लोग कर ही रहे हैं, इतना अच्छा कलेक्शन है, मैं कल सुबह वो आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं अभी होम स्टे के ऊपर आई हूँ और मैं आप लोगों को एक ऑसम ब्यूटीफुल व्यू दिखाने वाली हूँ, चलिए देखते हैं।
सही मायने में बताइए कितना है ब्यूटीफुल ये व्यू। एक्चुअली हर एक जगह खूबसूरत होता है, हर एक जगह का एक अलग खूबसूरती रहता है, इसीलिए हर एक नया जगह जाके ना ऐसा लगता है कि नया कुछ देख रहा हूँ। उस मोमेंट पे लगता है उससे खूबसूरत जगह हो ही नहीं सकता है। मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के इस व्यू को एंजॉय करती हूँ, उसके बाद में अपना कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग अभी आ गए हैं डिनर के लिए, और मैं आप लोगों को बताई थी हमारे साथ और एक पर्सन है जो इस ट्रिप में है, मैं उनसे आप लोगों को मिलाती हूँ। राजा, आप लोग अगर मेरा डूअर्स का वीडियोस देख चुके हैं तो राजा को देख चुके होंगे। तो बहुत टाइम के बाद प्लान बना और हम लोग इधर आ गए, और अभी आने का प्लान बना था, उसके बाद का कुछ प्लान नहीं बना। तो आने के बाद अभी राजा कहाँ कहाँ घुमाएगा वो राजा को ही पता है। कांशा के प्लेट में सर्व किया गया है, मज़ा आ जाएगा खाने में। भूख लग गया है क्या? बहुत, सुबह से भूखी लग सुबह से भूखी लग रहा है ना। मुझे भी एक्चुअली यहाँ पे जब से आए हैं ना भूख ही लग रहा है। राजा भूख लग रहा है? जी, चलो बैठते हैं, खाते हैं। तो जोरों का भूख लग गया है, भूख को और नहीं बढ़ाती हूँ। मज़ेदार गरम गरम खाना आ गया है इतना ठंड के मौसम में, पहले खाना कंप्लीट कर लेती हूँ। चलो राजा स्टार्ट करते हैं। स्क्वॉश के साग का सब्जी है ये, वाह। डिनर कंप्लीट हो गया है हमारा, खाना बहुत अच्छा था। अभी ऐसे फॉरेस्ट विलेज में जब आपका डिनर कंप्लीट हो जाता है ना, और अगर आप बहुत बड़े ग्रुप के साथ नहीं आए हैं तो करने के लिए ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। अभी डिनर से पहले मैं किसी से मिली थी जो विलासपुर से है, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। ऐसे ट्रैवलिंग में ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिल जाते हैं जिनसे सही में बात करके आपको अच्छा लगता है। बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन थी, अगर पॉसिबल हुआ तो कल सुबह मैं आप लोगों से उनको मिलाऊंगी, अगर वो लोग चेकआउट नहीं कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ मेरा उनसे बात भी हुआ है कि नेक्स्ट जब मैं विलासपुर जाने वाली हूँ मानसून में, तब उनसे मिलने वाली हूँ। अभी सही में डॉग्स का साउंड, कीड़ों का साउंड, और कुछ बर्ड्स है, पता नहीं कौन से बर्ड्स है, लेकिन कुछ बर्ड्स का साउंड फ्रीक्वेंटली आ रहा है मुझे। ये छोड़ के ज़्यादा कुछ साउंड है ही नहीं। अभी पूरा डे जैसा जर्नी गया था, स्पेशली ट्रेन जर्नी ने जितना थका दिया मुझे, मुझे लग रहा है कि अभी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए रेस्ट करना। तो इस वीडियो को मैं कल सुबह से फिर से कंटिन्यू करूँगी। आज रात के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मायरुंग गाँव। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने आ गई हूँ। ब्रेकफास्ट में है पूरी, छोले और मटर की सब्जी। खा के देखते हैं कैसा बना।
खाना मस्त है। मैं रेडी हो गई हूँ, अभी प्लान है ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा घूम के आएंगे। बहुत टेस्टी है ब्रेकफास्ट। मुझे तो बहुत पसंद आया। राजा ब्रेकफास्ट कैसा लग रहा है? एकदम अच्छा है। वो व्यू के साथ ये ब्रेकफास्ट गरम गरम परफेक्ट है। हमारे पीछे गेस्ट आए हैं हमसे मिलने, उनसे भी मिल लेते हैं। हम लोग अभी निकल गए हैं डूका वाटरफॉल्स के लिए। एक्चुअली समर में उतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं करता है वाटरफॉल्स, लेकिन कुछ दिन पहले थोड़ा सा बारिश हो रहा है, एक दो दिन से यहाँ पे डेली थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, तो होपफुली थोड़ा सा बेटर कंडीशन में रहेगा वाटरफॉल्स, है ना। तो चलते हैं पहले डूका वाटरफॉल्स। और आज का भी हमारा प्लान है कि हम आज मैरुंग गाँव में ही रहने वाले हैं, कल हम यहाँ से चेकआउट करेंगे और कुछ नया ऑफबीट प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए डूका वाटरफॉल्स के तरफ चलते हैं। एक्चुअली यहाँ का रोड इतना मस्त है ना, रोड मतलब रोड मस्त नहीं है, सॉरी बोलना गलत हुआ, जर्नी इतना मस्त है। रोड थोड़ा थोड़ा तो इधर उधर है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जर्नी इतना मस्त चल रहा है। अच्छा मैं आपको अभी एक रोड, मैं इसको पॉज करके आपको रोड दिखा रही हूँ। देखे है कैसा स्लैंटिंग है। तो जर्नी इतना मस्त है ना, कंप्लीट फॉरेस्ट के अंदर से वो जो निकल के जाना, सुनसान वाला जो फील, सच में अमेजिंग लग रहा है, अमेजिंग है। ऐसे ऑफबीट प्लेसेस और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। इस बार का तो मेरा प्लान ही था जितना ऑफबीट प्लेसेस पॉसिबल होगा उतना मैं इस बार घूम के जाने वाली हूँ, इसीलिए कुछ फिक्स करके नहीं आई हूँ। जब तक कुछ बहुत ज़रूरी काम मुझे ना आए मैं यहीं पे रुकने वाली हूँ। यहाँ पे बहुत सारे होमस्टे हैं जो अच्छा लग रहा है देख के। एक्चुअली हम सबको होमस्टे कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, लोकल टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए, तभी प्रोग्रेस हो पाएगा। कंप्लीट बांस के झाड़ियां है लेफ्ट साइड में। यहाँ पे और एक होमस्टे दिख रहा है नीचे। तो मैं अभी हूँ डूका वाटरफॉल के सामने। एक्चुअली हमेशा ऐसा होता है, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है, लेकिन मुझे लगता है नेचर का हमेशा कुछ अलग ही अंदाज़ होता है। यही वाटरफॉल्स आप अगर बारिश के वक्त आएंगे, मानसून में आएंगे, तो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। अभी कुछ दिन पहले थोड़ा सा बारिश हुआ बोल के जितना दिख रहा है, अदरवाइज इस टाइम पे प्रॉपर समर में ये उतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं रहता है, लेकिन जो भी है एक्सपीरियंस अच्छा है। जो जर्नी जिस तरीके से हम लोग आए, अभी चढ़ते वक्त समझ में आएगा क्या कैसे चढ़ना है। यहाँ तक आना ही एक छोटा सा स्ट्रगल है यहाँ तक आना, बहुत अच्छे ड्राइवर नहीं है तो इस रोड पे यहाँ तक उतरना थोड़ा सा टफ है। वैसे यहाँ पे जितने भी लोग ड्राइव करके आते हैं वो लोगों को आदत है इस रोड पे चलाने का, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं होते हैं। तो थोड़ा पास तक जाते हैं हम लोग वाटरफॉल्स के।
सो डूका वाटरफॉल से हम लोग आते हुए हमें यहाँ पे एक होम स्टे दिखा जिसका ऊपर का पार्ट एक्चुअली बन रहा है और नीचे वाला पूरा रेडी है. तो इसका नाम है पाखरिंग होम स्टे. तो इनसे बात हो रहा था होस्ट से, जो लोग होस्ट है, बात होते होते हमें चाय ऑफर किया तो हम लोग चाय पीने बैठ गए हैं. एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो भी होम स्टे रहता है ये ज़्यादातर लीज पे ही चल रहा है. यहाँ पे वो कल्चर ही ज़्यादातर चल रहा है. तो कैसा होता है, जो ओनर्स हैं वो लोग कंप्लीट फूडिंग देखते हैं और गेस्ट का टेक केयर वही करते हैं, और कोई इंडिविजुअल या कुछ कंपनी इसको लीज पे लेते हैं और गेस्ट को लेके आना और गेस्ट के साथ कम्युनिकेशन करना वो लोग ही करते हैं. और यहाँ के होस्ट ने मुझे ब्लैक टी पिला रहे हैं. मैं एक चीज़ देखा हूँ पहाड़ में आके, एक चीज़ दिखता है वो है इतना ज़्यादा प्यार और अपनापन दिखाते हैं ना, हमारे सिटी में इतना अपनापन नहीं है. किसी के घर आप जाओगे ना, डोर भी ठीक से नहीं खोलेगा, डोर से आपको भगा देगा. और यहाँ पे तो जानना पहचान मैं तेरा मेहमान वाला सीन है. आए, दो मिनट बात हुआ और देखिए मुझे टी ऑफर किया. थैंक यू. मुझे एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये होम स्टे. तो अगर आप लोगों को यहाँ पे भी आने का मन है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं. चलिए टी ख़त्म करके थोड़ा आगे चलते हैं. हम लोग अभी जा रहे हैं सिलारी गांव. सिलारी गांव जाने के लिए एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट आता है, वहाँ पे टिकट लेके आपको अंदर जाना है. चाहे आप स्टे करें या ऐसे ही घूम के आए, कुछ भी हो वो करना है आपको. इतना ज़्यादा रोड ख़राब है, ऐसा लग रहा है बॉडी के सारे पार्ट्स एक बार निकल के फिर लग रहे हैं. लेकिन मैं सुनी हूँ कि ये विलेज बहुत ब्यूटीफुल है तो इसीलिए मन था. एक्चुअली स्टे का प्लान था लेकिन स्टे इस बार नहीं ले रही हूँ, देख के आऊँगी. अगर लगा तो कल चेकआउट करके यहाँ पे भी स्टे ले सकती हूँ, क्योंकि और चार पांच जगह मैं सोच के रखी हूँ जिस वजह से मैं श्योर नहीं हूँ यहाँ पे मैं स्टे लूँगी कि नहीं. लेकिन एक्चुअली जर्नी अच्छा है लेकिन रोड्स बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब रोड्स है. ये कम्प्लीटली फॉरेस्ट एरिया है. मैं अभी हूँ सिलेरी गांव में. सिलेरी गांव या सिलेरी गांव, एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है पता नहीं. मुझे पता था सिलेरी गांव, यहाँ पे लोकल लोग बोल रहे हैं कि सिलेरी गांव. बहुत ख़राब रास्ता था, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग हुआ है, मतलब हालत ख़राब हो गया. तो मैं सही में सीनियर सिटीज़न को रिकमेंड नहीं करूँगी सिलेरी गांव के लिए. मुझे लगता है उनको अवॉइड करना चाहिए अगर बहुत फिट नहीं है तो. लेकिन यहाँ तक आके मेरा आना सक्सेस हुआ है, क्योंकि ये है एक ऊपर टॉप व्यू पॉइंट पे मैं खड़ी हूँ और यहाँ पे जो व्यू दिख रहा है, कंप्लीट जो वैली दिख रहा है, ये सच में अमेजिंग है. इतना स्ट्रगल करके आना सच में अभी लग रहा है सक्सेस हुआ. लेकिन अभी डर इस बात का है, अभी इसी रूट से मुझे वापस भी जाना पड़ेगा. तुम्हारा हालत ठीक है? चलेगा? हमारा हालत ख़राब हो गया है. यहाँ पे बहुत सारे होमस्टे हैं, बहुत सारे होमस्टे हैं. लोकेशन अच्छा है लेकिन मुझे जो डिफरेंस लगा मैरुंग गांव से और सिलेरी गांव का, मैरुंग गांव ना जेन्युइनली एक ऑफबीट प्लेस है. बहुत कम घर है और बहुत काम है. ये जगह भी काम है लेकिन ऑलरेडी ये जगह थोड़ा सा क्राउडेड है, क्योंकि मुझे बहुत सारे घर दिख रहे हैं, बहुत सारे. तो थोड़ी देर यहाँ पे मैं घूम लेती हूँ, थोड़ी देर ये व्यू को एंजॉय करती हूँ,
उसके बाद यहाँ से निकलूंगी। ये है यहाँ का कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्म। अभी कैबेज हो रहा है ना माया दी? कैबेज, कैबेज हो रहा है और शाम को यही कैबेज उठा के मोमो बनाया जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होता है और गेस्ट को भी यहाँ पे जो भी फार्मिंग होता है ज़्यादातर वही वेजिटेबल सर्व किया जाता है। तो ये सच में एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है जो लोग भी होम स्टेज रख रहे हैं ये ऑर्गेनिक फार्मिंग उसके साथ रहना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। मॉर्निंग, सुबह सुबह मैं रेडी हो गई हूँ और आज हम लोग यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं। यहाँ पे स्टे बहुत अच्छा था, बहुत कंफर्टेबल था। मैं स्पेशली बोलूँगी कि सीनियर सिटीज़न जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए तो मस्त है, क्योंकि बहुत सारे होम स्टे में क्या प्रॉब्लम होता है, होम स्टे रोड से थोड़ा दूर रहता है तो सीनियर सिटीज़न को कार से उतर के थोड़ा चढ़ के जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ का होस्ट बहुत ही अच्छा है। मैं वर्षा जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चेक कीजिए और अगर आपको आना है तो डेफिनेटली आप वर्षा जी से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको पीछे इनका जो सेक्शन है, यहाँ पे एक्चुअली लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ यहाँ पे होता है। तो अभी मैं यहाँ से निकल के जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए और चेकआउट के बाद हम लोग कुछ स्पेशल जगह जाने वाले हैं, लेकिन वो जगह आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख चुके हैं, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आपसे मिलते हैं।